Hello everyone, welcome to PharmaAzure. I post videos on pharmacy related subjects both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So, today we will discuss on rheology. It is the part 1 where we discuss about the introduction of rheology, the concept of viscosity, its derivation as well as Newton's law of flow. So, रियोलॉजी बेसिकली इंट्रोडक्शन पर हम बात करेंगे एंड उसका एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ इस रियोलॉजी का यूज़ होता है रियोलॉजी बेसिकली आपका डील करता है विद द फ्लो ऑफ द फ्लुइड्स दैट इज़ इट इज़ साइंस दैट कंसनस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड वेरियस जो फ्लुइड्स होते हैं लिक्विड्स जो होते हैं वो किस तरह से आपका फ़्लो करते हैं हर लिक्विड एक जैसा उसका स्पीड नहीं होता है फ़्लो करने का एक वे में फ्लो नहीं करता है सो डिपेंडिंग ऑन वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स दैट इज़ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक वी स्टडी रियोलॉजी सो रियोलॉजी में आप जो है फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को बेसिकली स्टडी करते हैं नाउ नेक्स्ट इज द उसके अलावा डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स कुछ कुछ सॉलिड्स भी होते हैं जिनका मॉलिकुलर स्टेट्स या मॉलिकुलस में उनके मॉलिक्यूल्स में मोशन आता है लाइक फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल आप कह सकते हो इलास्टिक सॉलिड्स जो होते हैं उन्हें आप स्ट्रेच करते हो तो उनका सेप जो है वो चेंज होता है सो कोई भी ऐसा सबस्टांस जो अपने सेप को चेंज करता है दैट इज़ आइदर बाई मोबिलिटी इलास्टिसिटी और बाई फ्लो प्रॉपर्टीज़ इन सब चीज़ों को रियोलॉजी में हम डील करते हैं सो so बेसिकली uh, जो फर्स्ट पार्ट है आपका रियोलॉजी का उस पार्ट में हम लिक्विड्स के फ़्लो कैरेक्टरिस्टिक को बेसिकली स्टडी uh, करते हैं एंड यही रियोलॉजी का जो सेकेंड पार्ट होता है उस सेकेंड पार्ट में हम डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स पर फोकस करते हैं सो द स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इज इंपॉर्टेंट फॉर फार्मासिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेवरल डोजेस फॉर्म्स लाइक सिंपल लिक्विड्स जेल ऑइनमेंट्स क्रीम एज वेल एज पेस्ट सो सिर्फ लिक्विड्स ही नहीं सेमी सॉलिड्स जो होते हैं जो कि लिक्विड्स का ही एक काफ़ी ज़्यादा विस्कस फॉर्म है उसका भी जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्लो कैरेक्टरिस्टिक उसको भी हम जो है रियोलॉजी के द्वारा ही स्टडी करते हैं बिकॉज सेमी सॉलिड्स को भी आप जब स्प्रेड करना चाहते हो फोर्स लगाते हो सीअर स्ट्रेस लगाते हो तो वो क्या होता है अपना मूव करता है सो so, वो तो एक हार्ड स्टोन की तरह नहीं कि आप कितना भी चेंज करना चाहो सेप चेंज नहीं होगा टोल्ड रियोलॉजी आपका किसी भी मॉलिक्यूल्स का खुद का अगर सेप्स जो है वो चेंज हो रहा है तो वो कैरेक्टरिस्टिक को हम रियोलॉजी में स्टडी करते हैं दस सेमी सॉलिड्स भी आपका लिक्विड्स में ही इंक्लूड होता है उसके फ्लो प्रॉपर्टीज़ का जब हम स्टडी करते हैं उसी में ये भी इंक्लूड होता है सो दिस सिस्टम चेंजेस दियर फ्लो बिहेवियर वैन एक्सपोज टू डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन सो बेसिकली आपका रियोलॉजिक फार्मासिस्ट को क्यों स्टडी करना होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में बिकॉज रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक वाइज आपके वेरियस लिक्विड्स में वेरियस सेमी सॉलिड्स में आपका अलग अलग सीयर स्ट्रेस लगाने से सीयर कंडीशन लगाने से जो है उनका बिहेवियर्स जो है उनका वेरियस कैरेक्टरिस्टिक पर इफेक्ट हो सकता है दैट इज़ बेस्ड ऑन सीअर सीअर के बारे में आगे हम जानेंगे तो बेसिकली आपका क्यों स्टडी करना होता है या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ रियोलॉजी मेनली देखा जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म लाइक मटेरियल्स अंडरगो प्रोसेसेस सच एज मिक्सिंग फ्लोइंग थ्रू पाइप्स फिलिंग इन टू द कंटेनर्स एट्सेट्रा फ्लो रिलेटेड चेंजेस इनफ्लुएंस द सेलेक्शन फॉर द मिक्सिंग इक्विपमेंट्स जब मैन्युफैक्चरिंग होता है जनरली लिक्विड्स या सेमी सॉलिड्स का आपका वेरियस प्रोसेस के द्वारा वेरियस लिक्विड्स में आप कुछ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करते हो या फिर लिक्विड टू लिक्विड को ही मिक्सअप करते हैं तो वेरियस अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स का आप इस्तेमाल करते हो या फिर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आपका वन कंटेनर से या फिर वन इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट के पास कैरी होता है थ्रू वेरियस पाइप्स ऑनली तो ये जो पाइप्स के थ्रू वो फ्लो करेगा या मिक्सिंग के टाइम में उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स में मोबिलिटी आएगा फ्लुइडिटी होगा फ्लो प्रॉपर्टी होगा जिसकी वजह से वो इजीली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो पाएगा तो वहाँ पर रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता करना ज़रूरी होता है जिससे कि आप प्रॉपर वे में मिक्सिंग जो है मिक्सिंग प्रोसेस को चूज कर सको प्रॉपर सही मिक्सिंग इक्विपमेंट को चूज कर सको जिसको मिक्स होने में फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड अगर बहुत ज़्यादा विस्कस है बहुत ज़्यादा गाढ़ा है इन दैट केस आपको वैसे टाइप के लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए ज़्यादा सीयर स्ट्रेस या ज़्यादा फोर्स लगाना होगा मीन्स आपको वैसा मिक्सिंग इक्विपमेंट लेना होगा जो कि आपका हाई फोर्स के साथ मिक्सिंग करने का एबिलिटी रखता हो वही अगर कोई लेस विस्कस है लाइक वाटर एल्कोहल एट्सेट्रा वो आपका ईजिली मिक्सअप हो सकता है तो वहाँ पर आपको हैवी मिक्सिंग इक्विपमेंट नहीं चाहिए होगा जस्ट स्टरर टाइप का स्टेरिंग जो आपका स्टर करके जस्ट मिक्सिंग कर सके वैसा इक्विपमेंट आप सिंपली ले सकते हो सो so, लाइकवाइज आपका जो है फ्लो uh, जो पाइप के थ्रू होता है उसमें भी आप कितने फोर्स या कितने प्रेशर के साथ एक लिक्विड को पाइप के थ्रू फ्लो कराओगे वो डिपेंड करेगा उसके विस्कोसिटी पे अगर वो लेस विस्कस है तो थोड़ा सा भी प्रेशर में वो अपना फ्लो कर जाएगा वही अगर ज़्यादा विस्कस है तो आपको हाई प्रेशर अप्लाई करना जिससे कि वो हाई फोर्स के साथ आपका जो है सो so, पास uh, कर सके फ्रॉम वन साइड टू अनादर साइड ऑफ द मिक्सिंग पाइप और सॉरी कैरिंग पाइप और सेकेंड आपका होता है ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ ड्रग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली अब जब आपका मैन्युफैक्चरिंग में स्टडी कर रहे हो आप उसी तरह जब आप उन मेडिसन्स को इस तरह से जो लिक्विड लिक्विड्स सॉलिड्स होते हैं उनका जब एडमिनिस्ट्रेशन करते हो मतलब उससे आप जो है चाहे अप्लाई करो या फिर ओरली उससे कंज्यूम करो टॉपिकली uh, अप्लाई किसी भी तरह से आप कर रहे हो इंजेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर भी जरूरत है लाइक द इंजेक्टिबिलिटी ऑफ द मेडिसन्स आपको अगर कुछ लिक्विड ऐसा है जिसे आप इंजेक्ट करके देना चाहते हो वो आपका इमल्शन सिस्टम भी हो सकता है सस्पेंशन आइदर सोल्यूशन फॉर्म में भी आपका इंजेक्टेबल्स रहते हैं बट वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए दैट इज़ उनका जो विस्कोसिटी है काफ़ी कम होना चाहिए बहुत ही लेस विस्कस होना चाहिए सस्पेंशन या इमल्सन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपका नहीं रह सकता डाइल्यूटेड फॉर्म होना चाहिए तो ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है बिकॉज अगर वो फ्लो प्रॉपर्टी उसका नहीं अच्छा रहा तो वो आपका इंजेक्शन के जो नीडल्स होते हैं उसके थ्रू आपका ईज़िली फ्लो होकर बाहर नहीं आएगा लाइक वाइज लिक्विड्स का जब आप पोर कर रहे हो कंटेनर से काफ़ी ज़्यादा विस्कस रहा तो आपको क्या करना होता है हल्का टिल्ट सॉरी वहाँ पे आपको प्रेशर अप्लाई करना होता है टिल्ट करने के बाद कंटेनर में तब वो निकल कर आता है वही अगर उसका फ्लूडिटी लेस है सॉरी विस्कॉसिटी लेस है मतलब हाई फ्लूडिटी है लाइक लोशंस वगैरह तो वहाँ पर आप हल्का सा बस टिल्ट करते हो और आपका लोशन जो है वो बाहर निकल आता है पेस्ट वगैरह या ऑइंटमेंट्स है तो उसके लिए आपको ट्यूब लेना पड़ता है उस तरह का कंटेनर जिसमें आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो बाहर आता है Uh, कोई अगर सॉल्यूशन फॉर्म में बिल्कुल है डायलूटेड सॉल्यूशन फॉर्म में तो जस्ट टिल्ट करना ही सफिशिएंट रहता है आपको वहाँ पर हल्का ही टिल्ट करना होता है बिकॉज अगर पूरा टिल्ट कर दोगे तो तुरंत सारा का सारा बाहर आ जाएगा तो बेसिक मैकेनिज़्म uh, यही है कि फ्लूडिटी आपका लिक्विड जितना हाईली फ़्लो कर सकता हो विस्कॉसिटी पर बेस्ड उसके अकॉर्डिंग आप जो है कंटेनर चूज करते हो उसका पोरिंग कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग तो एनी वेज यहाँ पर भी रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का आपका इंपॉर्टेंस है दैन एक्सट्रोशन बिहेवियर ऑफ डोजोसॉम एक्सट्रोशन मतलब बाहर निकल कर आना वेरियस ट्यूब्स वगैरह से जो आपके सेमी सॉलिड्स जो होते हैं वो आपका जो बाहर निकल कर आता है पेस्ट ऑइमेंट्स वगैरह तो वो भी आपका कितना फोर्स लगाओगे तो निकल कर आएगा ये सारा चीज़ को देखने के लिए भी आपको क्या करना होता है दैट इज़ रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करना पड़ता है सो so नेक्स्ट आपका है दैट द फ्लो बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस इज़ अ ग्रेट रिविलेंस इन फार्मेसी सो दस आपका स्ट्रेस लगाने से दैट इज़ पर्टिकुलर स्ट्रेस अप्लाई करने से जो आपके लिक्विड्स में फ्लो प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है वो आपका जो है फार्मेसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है मतलब लिक्विड्स पर फोर्स लगाकर कैसे आप उसको फ्लो कर पा रहे हो ये स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस पता चलता है तो परफॉर्मेंस ऑफ अर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द वॉ मैंशन प्रोसेस कितना मतलब परफॉर्मेंस यानी कि कितना मेहनत लगता है उसको बनाने में कितना फ़ोर्स लगता है उसको ट्यूब से बाहर निकालने में कितना फोर्स के साथ आप उसको अप्लाई कर सकते हो तो ये सारा चीज़ जो है आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी परफॉर्मेंस किस तरह से वो परफॉर्म करेगा ये सारा चीज़ को आपको बताता है दस रियोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन फार्मेसी दे ऑफ ऑफ लो प्रॉपर्टीज़ आर यूज एज इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल टूल्स टू मेटेन द सुपेरिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस बैच टू बैस वेरिएशन इस वजह से रियोलॉजिकल कैक्टिविटी को भी स्टडी करना होता जैसे, solid forms study है जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में माइक्रोमेटिक स्टडी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ पर आप उसका जो है एंगल ऑफ रिपोज देन आपका वेरियस बल्किनेस डेंसिटी एट्सट्रा स्टडी करते हो उसी तरह लिक्विड या सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स केसेज में रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपका मतलब क्वालिटी कंट्रोल स्टडी जब आप कर रहे हो तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना होता है जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एक जैसा रहे आपको ये भी देखना होता है कि बैच टू बैच आपका वेरिएशन ना करे अगर आप सिमिलर ऑइंटमेंट बना रहे हो तो ध्यान रखना है कि हर बैच का ऑइनमेंट का विस्कोसिटी एक जैसा रहे फ्लिडिटी एक जैसा रहे ये सारी चीज़ें आपकी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डेक्सटन फोटीन डेक्स्टन हंड्रेड टेन इंजेक्शनस आर एनालाइज्ड बाई डिटरमाइनिंग द विस्टि रेशियोज़ एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तो रियोलॉजी में आपका जैसे डेक्सट्रन एंड डेक्स्ट्रन हंड्रेड टेन जो है इसका इंजेक्शन का जब क्वालिटी एनालिसिस होता है तो वहाँ पे थर्टी सेवन जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर का है ये एक जस्ट टेस्ट बता दिया जा रहा है इन दोनों का कैसे रियोलॉजिकल कैक्ट स्टडी किया जाता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपी आई पी ये टेस्ट है दैट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस में उसका विस्क्वासिटी रेशियो को देखा जाएगा कि वो कितना विस्कस रह रहा है वेरियस बैचेस नेक्स्ट आपका कंसेप्ट ऑफ विस्कवासिटी एज फ्लो प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन विस्क्वासिटी दस विस्क्वासिटी का जो कंसेप्ट है इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बिकॉज फ्लो जो है आपका लिक्विड्स में जो फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करे विस्कोसिटी पर ही जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उतना ही लेस फ्लूडिटी आपको देखने को मिलता है दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विस्कवासिटी को समझो सो बेसिकली फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिंपल लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी एज़ आई टोल्ड विस्कवासिटी इज एन इंडेक्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो जितना ज़्यादा विस्कस होगा लिक्विड उतना ही जो है लेस फ्लो करता है दैट इज इससे आपको ये पता चलता है कि विस्कॉसिटी जो है किसी भी लिक्विड के फ्लो पर जो रेजिस्टेंस आपको फील होता है रेजिस्टेंट फोर्स फील होता है वो आपका शो so करता है यानी कि विस्कॉसिटी जो है किसी भी लिक्विड के फ्लो का रेजिस्टेंस को आपका जो है शो करता है जितना ज़्यादा विस्कस लिक्विड है उतना ही उसके नॉर्मल फ्लो को रेजिस्टेंट फोर्स फील होगा मतलब उतना ही जो रोकने वाला एक फोर्स होता है वो आपको फील होगा उस लिक्विड में जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा द हाइयर द बेस्ट ऑफ अ लिक्विड द ग्रेटर इज द रेजिटन टू फ्लो एज आई टोल्ड फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड नट ऑयल हनी सिरप लाइक सुगर सोल्यूशन ऑल रेजिस्ट फ्लो मोर इन कंपेरिजन टू वाटर और अल्कोहल तो अगर आप कंपेरिजन करना चाहो पानी को ले लो या अल्कोहल को आप कंपेयर करो फ्रॉम ग्राउंड नट ऑयल ग्राउंडनट ऑयल्स ऑयल्स जनरली आपके थिक होते हैं या फिर हनी या सिरप जैसे सिरप uh, मीन्स आपका जो सुक्रोज सोल्यूशन होता है इससे अगर आप कंपेरिजन करो तो आपको नजर आएगा दैट वाटर या अल्कोहल जितना स्मूथली फ़्लो कर सकता है उतना स्मूथली आपका ग्राउंड नट ऑयल हनी या सिरप्स फ़्लो नहीं करेंगे वाई बिकॉज वो ज़्यादा विस्कस होते हैं ज़्यादा गाढ़ा कंसिस्टेंसी होता है एंड अंडर्स uh, जैसा कि हमने बताया विस्कॉसिटी जो है इट इज़ द इंडेक्स ऑफ रेजिस्टेंट टू फ्लो ये आपका शो करता है कि किसी भी फ्लूड के फ्लो को कितना ज़्यादा रेजिस्टेंट फील होता है सो ऑन द मोलिकुलर लेवल अगर हम इसी चीज़ को मॉलिकुलर लेवल पर एक्सप्लेन करें सो द मोशन इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिरप एट लोअर रेट दैन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो मोलिकुलर लेवल पे अगर हम इस चीज़ को समझें इट मीन्स क्या होता है सिरप वगैरह में जो मोशन ट्रांसफ़र होता है एक जैसे हीट आपका वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होता है ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी के अंदर उसी तरह मोशन में भी होता है मोशन भी आपका वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में आपका जो है ट्रांसफ़र होता है तो जनरली जो जितना ज़्यादा विस्कस होता है उसमें वो मोशन जो है वो लेस स्पीड में लेस रेट में आपका ट्रांसफ़र होता है बट जो आपका लेस विस्कस है लाइक वाटर वगैरह उसमें आपका मोशन जो है वो फास्ट ट्रांसफर होगा मोशन भी ट्रांसफ़र आपका होता है मोशन भी एक तरह का आपका जो है आ, आपका ट्रांसफरेबल टाइप ऑफ फोर्स या एनर्जी आप उसको कह सकते हो सो so, इसी चीज को समझने के लिए आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ लो को आपको जानना होगा सो न्यूटन्स लॉ ऑफ लो क्या है कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ पैर लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स सिमिलर टू अ डेक ऑफ कार्ड्स एज सोन इन द फिगर जो मैं फिगर आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी द बॉटम लेयर इज़ कंसिडर्ड टू बी फिक्सड इन प्लेस सो आप मान लो लिक्विड को जैसे कार्ड ताश के पत्ते होते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप एक ब्लॉक ऑफ लिक्विड को भी जो है उसी ताश के पत्ते की तरह आप जो है स्लाइड बाई स्लाइड लेयर बाई लेयर मॉलिकुलर अरेंजमेंट वाइज आप समझ लो सो so बेसिकली आपका क्या होगा जो सबसे नीचे वाला लेयर रहता है वो आपका किसी स्टेशनरी बॉडी के साथ फिक्स्ड है लाइक like आप ज़मीन पर रखे हो तो वो आपका फिक्स्ड है लिक्विड भी उसी तरह ग्लास पे रखे हो एक प्लेट पे रखे हो तो आपका सबसे वाला नीचे है सबसे नीचे वाला जो लेयर है किसी तरह के स्टेशनरी लेयर पर फिक्स्ड है सो सी इमेज लाइक हेयर यू कैन सी ए बी सी डी ई टिल एन मॉलिकुलर अरेंजमेंट्स हैं लेयर बाय लेयर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट को ये आपका शो कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है जब लिक्विड आपका रेस्ट में है जब आप इस पर सीय स्ट्रेस अप्लाई करते हो जिसके बारे में आगे जानेंगे बेसिकली सीअ स्ट्रेस आपका क्या है एक तरह का फोर्स है जो लिक्विड में मोशन लाने के लिए काम करता है फोर्स आप कह सकते हो घर्षण वाला फोर्स है फ्रिक्शनल टाइप ऑफ फोर्स आप कह सकते हो फोर्स जो कि आपका बेसिकली किसी भी लिक्विड में मोशन क्रिएट करता है सो सीअ स्ट्रेस जब आप अप्लाई करते हो ऑब्वियसली आप सबसे ऊपर वाले लेयर पर ही अप्लाई करोगे फोर्स आप जो ऊपर पे ही अप्लाई करते हो तो ए लेयर पर आप अप्लाई करते हो जैसे अप्लाई करते हो सबसे ऊपर वाले लेयर पर आप अप्लाई किए तो ऑब्वियसली वो सबसे फास्ट भागेगा ए एंड लेयर बाय लेयर मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन ट्रांसफर होता है तो ए अपना थोड़ा सा मोशन बी को देगा दस बी उसके बाद भागेगा बी फिर सी को देगा सी देन भागेगा इस तरह से आपका कंटिन्यू होते होते एन तक आपका जो है मोशन क्रिएट होता है दैट इज़ सीअर इंड्यूसिंग चेंजेस दैट इज सीर फोर्स की वजह से जो चेंजेस आपका मॉलिक्यूल्स के लेयर में आपका आता है सो so, इसी चीज़ को समझते हैं सो so, बेसिकली क्या होता है वेन फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजोनटली ऑन द टॉप लेयर द लिक्विड बिगन्स टू फ्लो जब फोर्स जो है आप सबसे टॉप लेयर में हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर ए में जब आप अप्लाई करते हो लिक्विड जो है वो आपका फ्लो होना स्टार्ट होता है इट एज्यूम्स द सेप सोन इन फिगर सेवन पॉइंट बी जो आपको मैंने अभी फिगर दिखाया वहाँ पर जो है आपका सेप किस तरह का आता है वो आपने देखा एरोज़ इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ़ फ्लो विस्कवासिटी जो एरो थे आप देख सकते हैं फ्रंट की तरफ वो भाग रहा है तो वो एरो जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ विस्कवासिटी मतलब कितने वैल्यू के साथ आपका जो वेलासिटी है मतलब कितने वैल्यू के साथ आपका स्पीड में लिक्विड भाग रहा है उस चीज़ को दिखाता है Since force is applied on the top layer, it moves at greater velocity. Obviously, सबसे ऊपर वाले layer पर आपका force apply हो रहा है तो वो ही सबसे fast आपका जो है भागेगा with velocity, high velocity के साथ भागेगा वाइल मूविंग अहेड द फर्स्ट लेयर ए इंड्यूसेज फ्लो इन द सेकेंड लेयर जब वो आगे बढ़ने लग रहा है तो वो ऑब्वियसली अपना मोशन को सेकेंड लेयर पर ट्रांसफर करेगा सो वेलासिटी आपका ए से बी में ट्रांसफर होगा द वलॉसिटी ऑफ द लेयर सेकेंड लेयर बी इज समवाट लेस देन दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर बिकॉज ऑफ द विस्क ड्रैग ऑफर्ड बाई दर्ड लेयर बिकॉज क्या रीज़न होता है कि थोड़ा कम हो जाता है ए के जितना मोशन में नहीं आता है बी बिकॉज बी को तो चलो ए मोशन दे रहा है बट बी के नीचे वाला जो लेयर है सी वो क्योंकि स्टेशनरी मोशन में रेस्ट के मोशन में तो वो क्या करेगा वो रेजिस्ट करेगा मतलब सी वाला जो लेयर है वो क्योंकि रुका हुआ है तो वो क्या करेगा बी को रोकना चाहेगा ए जो है वो मोशन में तो वो बी को मोशन देगा इट मीन्स आपका ऊपर एंड नीचे दोनों का लेयर का इफ़ेक्ट पड़ता है मिडिल वाले लेयर को ऊपर वाला लेयर अगर मोशन में है एक लेयर मोशन में है तो वो अपना मोशन देगा वही दूसरा लेयर अगर स्टेशनरी वे में है तो वो उसको रोकना चाहेगा वो अपने बगल वाले लेयर को रोकना चाहेगा दस क्या होगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बोथ ए एंड ए एंड सी बी जो है वो मोशन में तो आएगा बट उतना मोशन में नहीं रहेगा जितना कि ए दैट इज़ टॉप लेयर जितने हाई मोशन में आपका रहेगा सो सिमिलरली द of ऑफ द थर्ड लेयर सी इज़ लेस देन of ऑफ layer लेयर uh, second लेयर बी बट higher देन that ऑफ फोर्थ लेयर डी तो इसी तरह से आपका सी के साथ भी होता है बी में जो मोशन गया वो मोशन सी को वो ट्रांसफ़र करना चाहेगा बट डी का जो स्टेशनरी लेयर है वो थोड़ा बहुत रोकना चाहेगा दैट इज़ वाई सी जो है वो आपका मोशन में तो आएगा बट बी के जितना मोशन में नहीं आएगा डी से ज़्यादा रहेगा क्योंकि डी तो सी के बाद है तो डी और ज़्यादा लेस मोशन में रहेगा और भी कम मोशन में रहेगा बट आपका अगर आ, मतलब डी से जो है सी का मोशन ज़्यादा होगा बट बी के साथ अगर आप सी को कंपेयर करो बी जितना तेज़ भागेगा उतना सी नहीं भागेगा बिकॉज स्टेशनरी इफेक्ट एज वेल एज़ आपका जो है मोशन का इफेक्ट दोनों का इफेक्ट आपका मिडिल लेयर को पड़ रहा है सो so, लाइक वाइज दिस फेनोमिना कंटिन्यूज़ एन द बॉटम लेयर एन रिमेन्स स्टेशनरी तो इस तरह से क्या होता है सबसे लास्ट लेयर जो आपका रहेगा एन लेयर दैट इज़ आपका इनडेफिनाइट जितने भी लेयर्स आपके बेसिकली रहे सबसे नीचे वाला लेयर जो वो स्टेशनरी रह जाता है दर्ज आपका क्या होता है कभी भी जब आपका लिक्विड फ्लो करता है तो सबसे जो लास्ट वाला लेयर रहता है वो आपका जनरली स्टेशनरी लेयर होकर आपके सॉलिड के साथ ही रह जाता है मोशन जनरली आपके लिक्विड के मिडल पोर्शन में ही होता है अगर पाइप में आप देखो या जनरली आपका इसी तरह एक स्टेशनरी मीडियम uh, के ऊपर अगर आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है तो मोशन जो है वो सबसे ऊपर लेयर में ही होता है उसके बाद बाकी जो लेयर्स है उसमें वन बाई वन कन्जि कन्जिकटिव वे में आपका जो है ट्रांसफरिंग होता है मोशन का बट सबसे लास्ट लेयर जो है वो जस्ट स्टेशनरी ही रहता है उसमें किसी तरह का भी मोशन बेसिकली नहीं होता है सो दिस रेजिस्टेंस इज एस्टिमेटेड एंड एक्सप्रेस्ड एज विस्कोसिटी तो ये जो रेजिस्टेंस है ये माना जाता है कि विस्कोसिटी की वजह से होता है विस्कवासिटी जो है वो रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करता है एंड सीयर स्ट्रेस जो है इस रेजिस्टेंट को रोक कर सॉरी इस रेजिस्टेंट को तोड़ कर किसी भी लिक्विड को फ्लो कराता है मतलब कोई कोई भी लिक्विड कितना ही गाढ़ा क्यों ना हो अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो आप उसको मोशन में ले कर आ रहे हो मोशन उसमें क्रिएट कर रहे हो हाँ डिपेंड करता है ज़्यादा गाढ़ा है तो आपको ज़्यादा ही फोर्स देना होगा ज़्यादा सीअर स्ट्रेस देना होगा बट एटलीस्ट आपका मोशन होगा ज़रूर अगर आप सीएस स्ट्रेस अप्लाई करते हो बट विस्कवासिटी किसी भी लिक्विड में जितना भी विस्क्वासिटी है वो विस्क्वासिटी का काम ही होता है उसको रेजिस्ट करना तो ऑब्वियसली जितना भी विस्क्वासिटी है वो आपका रेजिस्ट करने का काम करता है उसको रोकने का काम करता है मोशन नहीं आने देता है बट सीएस स्ट्रेस मोशन क्रिएट करता है दैट इज़ वाई जो बैलेंस होता है आपका सीए स्ट्रेस की वजह से मोशन ट्रांसफ़र होना एंड विस्क्वासिटी की वजह से रजिस्टेंट क्रिएट होना इसी के वजह से आपका वन बाय वन लेयर्स में जब आप नीचे से नीचे लेयर में आते जाओगे आपका मोशन जो है वो घटता जाएगा एंड सबसे नीचे वाला दस स्टेशनरी रहेगा जिसमें मोशन नहीं होगा वहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा हावी होगा सो सिमिलर टू दैट अगर आप अज्यूम करो एक पाइप में तो पाइप में क्या होता है चारों तरफ ही लिक्विड आपका घिरा हुआ है तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा यहाँ पर टॉप लेयर कुछ नहीं होता यहाँ पर मिडिल लेयर होता है एंड देन आपका सबसे बॉटम लेयर जो कि पाइप के साथ अटैच होता है सो वेन लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप अंडर द कंडीशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो लिक्विड लेयर दैट एडजस्ट टू सॉलिड सरफेस रिमेन स्टेशनरी अदर लेयर्स एडजस्टेंड टू द स्टेशनरी लेयर्स मूव रिलेटिव टू इट दिस बिहेवियर इज पिकटोरियली रिप्रेजेंटेड बिलो सो बेसिकली सेम टू सेम आपका जैसे मैंने इससे पहले बताया यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का आपका अरेंजमेंट किस तरह से है ये पाइप के थ्रू जा रहा है तो अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो नॉर्मली आपका जो स्ट्रेट ये जब फ्लो कर रहा है तो लिक्विड का जो लेयर है जो कि सॉलिड सरफेस अटैच्ड है वो स्टेशनरी होगा क्योंकि सॉलिड सरफेस जो पाइप है वो स्टेशनरी एक आपका मीडियम है सॉलिड स्टेशनरी मीडियम उसके साथ जो अटैच रह रहा है उसमें मोशन सबसे कम होगा वहाँ पे आपका रेजिस्टेंट टू फ्लो ज़्यादा फील होगा दस वो स्टेशनरी रह जाएगा जो अदर लेयर्स है स्टेशनरी लेयर के बाद वो मूव करेगा बिकॉज मिडिल का लेयर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो ऑब्वियसली पाइप के मिडिल में सबसे ज़्यादा फोर्स फील होता है जब भी कोई लिक्विड आगे बढ़ता है दस लिक्विड का जो सबसे मिडिल लेयर है जो पाइप के थ्रू जा रहा है उसमें आपका सीर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लग रहा है वो सबसे ज़्यादा मोशन में हो रहा है बट उन्हीं के नियर बाई एडज लेयर्स धीरे 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 घटते जाते हैं कम मोशन होता है एंड एट दी एंड जो सबसे लास्ट लेयर जो कि आपका पाइप के सरफेस को टच किया हुआ वो स्टेशनरी वाइज आपका रहता है जिसमें कोई मूवमेंट आपका इन जनरल नहीं होता है सो एनी वेज नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल डेराइवेशन ऑफ विस्कोसिटी को देखेंगे न्यूटन्स का जो भी आपका थ्योरी था वो मैंने बताया और ये आपका कंटिन्यू ही हो रहा है विथ अलॉन्ग विथ दिस विस्कवासिटी ओनली विस्कवासिटी आपका इंक्लूडेड है न्यूटन्स लॉ के साथ ही बट बिफोर दैट टूडेज आई क्यू फैक्ट सो डू आल नो दर्थ वार्म हैज नॉट वन और टू बट फाइव हार्ट यस दे हैव फाइव बट दे हार्ट्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एंड कॉम्प्लीकेटेड एज आज मे बी बिकॉज देर ब्लड डजेंट हैो टू सो मैनी पार्ट्स सो इनका जो है पाँच हार्ट्स होते हैं हमारे तरह एक हार्ट नहीं एंड ऑब्वियसली इनका हार्ट का हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिकॉज इनका जो बॉडी पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रेट एंड अलाइन टाइप का है हमारे बॉडी जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसी वजह से शायद इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम भी है वो भी उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता बिकॉज इनका ब्लड वेसल्स को काफ़ी ज़्यादा आपका बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स में नहीं जाना होता है सिंपल स्ट्रेट लाइक इनका बॉडी स्ट्रक्चर से खैर

पर यूनिट एरिया पे आप कितना फोर्स पर्टिकुलर फोर्स लगा रहे हो जिससे कि वो लिक्विड आपका फ्लोर है यानी कि लिक्विड का एक सेंटीमीटर स्क्वायर का आप एरिया ले लो या किसी भी यूनिट में आप एक मीटर स्क्वायर लो एक किलोमीटर स्क्वायर जितना भी आप यूनिट लेना चाहो पर्टिकुलर एरिया में आपका लिक्विड को पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लिक्विड है उस लिक्विड को फ्लो कराने के लिए आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो दैट इज सी स्ट्रेस दस स्ट्रेस दैट इज क्योंकि मैंने बताया ये भी एक तरह का फोर्स का ही फॉर्म है तो इसको एफ से डिनोट करते हैं बहुत सारी जगह स्ट्रेस दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एफ डैस डिवाइडेड बाई ए एफ डैस दैट इज नॉर्मल फोर्स एंड ए इज द एरिया सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज सी स्ट्रेस एफ वेलोसिटी ग्रेडियंट और द रेट ऑफ शीयर अब आपका रेट ऑफ शीयर ये क्या होता है इट इज डी वी बाई डी आर आपका रेट ऑफ शीयर को डी वी बाई डी आर से डी नोट करते हैं दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी डी वी विद चेंज इन डिस्टेंस मतलब रेट ऑफ शेयर का मतलब क्या है रेट ऑफ शेयर किसी भी तरह से जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है पर यूनिट टाइम में कितना कंसनट्रेशन चेंज हो रहा है यहाँ पे फ्लो के केस में रेट ऑफ शेयर का मतलब क्या है कि आपका जो फोर्स आप लगा रहे हो शेयर फोर्स जो आप लगा रहे हो उससे कोई भी लिक्विड कितना तेजी से भाग रहे थे इसी को आपका एक्सप्रेस करने के लिए क्या तरीका यूज़ किया था दैट इज़ पर डिस्टेंस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर आप देखो दैट इज वन सेंटीमीटर या वन मीटर का डिस्टेंस दैट इज नॉट एरिया जस्ट अ सिंपल डिस्टेंस एक डिस्टेंस में कितने स्पीड में आपका लिक्विड जो है भाग रहा है तो पर यूनिट डिस्टेंस में जितना स्पीड में लिक्विड भाग रहा है दैट इज़ आपका रेट ऑफ़ शीयर सो रेट ऑफ शीयर आपका डी वी बाई डी आर यहाँ पे क्योंकि दोनों को ही हम जो है चेंजेस दोनों में आता है जैसे जैसे आपका लिक्विड आगे बढ़ता है तो वेलोसिटी घटते जाता है जैसे ही आप किसी चीज़ को पुश करते हो फॉर एग्जाम्पल पुश करते हो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा आगे तक जब तक उसमें मोशन क्रिएट हो पाता है जब तक उसमें मोशन रहता है वो तब तक भागता है बट पर्टिकुलर टाइम के बाद पर्टिकुलर थोड़ा सा आगे डिस्टेंस में जाकर वो रुक जाता है दस इससे आपको ये पता चलता है दैट वेलॉसिटी स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक आपका एक जैसा नहीं रहेगा बिकॉज आप जो है फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही लगा रहे हो अगर आप कंटिन्यू रखो फोर्स को तो एक अलग बात है जैसे गाड़ी जो है आपका पर्टिकुलर मोशन में हमेशा रहता है बिकॉज आप कंटिन्यूसली उस पर फोर्स लगाए हो बट किसी चीज़ को अगर आप पुश कर रहे हो जो कि लिक्विड में जनरली होता है पुश कर दे रहे हो सीयर स्ट्रेस आप लगा कर उसको ढकेल दे रहे हो तो वो ऑब्वियसली आगे जाकर रुक जाएगा जैसे आप मोटर से अगर पाइप के थ्रू पानी दे रहे हो तो ऑब्वियसली मोटर आपका कंटिन्यू जो है वो फोर्स दे रहा है दस पानी आपका पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा किए जा रहा है बट अगर आप जस्ट अगर आप एक फोर्स लगा कर पाइप के अंदर आपके फ्लूड को पुश कर दो तो वो धीरे 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 आगे जाते जाते स्लो हो जाएगा एंड देन फिर वो रुक जाएगा जब मोशन पूरी तरह से खत्म हो जाए जब मोशन जो है वो एंड हो जाए बिकॉज मोशन तो ट्रांसफरेबल है धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा जब फोर्स आप उस पर नहीं अप्लाई कर रहे एक बार अप्लाई करके छोड़ दी सो so दस इससे यही पता चलता है दैट चेंजिंग विथ चेंज इन डिस्टेंस आपका वेलोसिटी जो है वो भी चेंज हो सकता है दैट इज़ वाई रेट ऑफ शेयर दैट इज़ किस रेट में आपका जो है सीयर uh, स्ट्रेस किसी चीज़ को फ्लो करेगा उसको देखने के लिए डी वी बाई डी आर डिरावेशन लिया जाता है दैट इज़ रेट ऑफ शेयर को डिनोट किया जाता है विथ जी इट इज़ इक्वल्स टू डी वी डिवाइडेड बाई डी आर चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन अलॉन्ग विथ चेंज इन डिस्टेंस न्यूटन रिकॉगनाइज दैट हाईर द विस्कॉसिटी ऑफ अ लिक्विड द ग्रेटर द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज सीर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रेट शेयर और सीयर और रेट ऑफ शेयर सो न्यूटन ने ये देखा कि जो लिक्विड गाढ़ा ज़्यादा विस्कस रहता ज़्यादा गाढ़ा रहता वहाँ पे मोशन लाने के लिए दैट इज आपका पर्टिकुलर रेट ऑफ शेयर अगर आप चाहते हो दैट इज पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ आपका ये डिस्टेंस कवर करे लिक्विड अगर आप चाहते हो दैट इज़ पर्टिकुलर रेट ऑफ़ शेयर अगर आप चाहते हो तो वहाँ देखा जाता है कि जितना ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स पर यूनिट लगाना पड़ता है दैट इज़ सीअर स्ट्रेस जो है वो आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है पर्टिकुलर रेट ऑफ शेयर को लाने के लिए बिकॉज लिक्विड वहाँ पर अगर गाढ़ा रहा तो गाढ़ा आपका विस्कॉसिटी के अकॉर्डिंग आपका जो है सीयर स्ट्रेस चेंज करना पड़ता है सो so, दस उसके अकॉर्डिंग द हाइर द बिस्कॉसिटी ऑफ़ द लिक्विड द ग्रेटर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रेट ऑफ शेयर हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर इज एज फॉलोज तो उसने फिर एक डेराइवेशन जो है वो लाया क्रिएट किया सीयर स्ट्रेस एंड सीयर रेट के बीच में जो रिलेशनशिप शो करता है दैट इज रेट ऑफ सीयर इज़ प्रपोर्शनल टू सॉरी सीयर स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर मीन्स आपका सीयर स्ट्रेस मतलब जितना फोर्स दोगे उतना ही हाई स्पीड में जो है आपका लिक्विड जो है फ्लो करेगा ठीक है सीयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सीयर बट दैट इज एफ डैस बाई ए इज़ प्रोपोर्शनल टू डी वी बाई डी आर और आप उसी चीज को लिख सकते हो एफ डैस बाई ए इज इक्वल्स टू ईटा डी वी बाई डी आर सो यहाँ पे आपका विस्कॉसिटी क्यों आ गया क्योंकि न्यूटन ने ये देखा कि आपका रेट ऑफ़ शेयर जो है उसके साथ साथ विस्क्वासिटी भी मैटर करता है यानी कि सीयर स्ट्रेस बढ़ाने से रेट ऑफ शेयर तो बढ़ेगा बट विस्क्वासिटी के अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ़ शेयर जो है वो कितना बढ़ेगा वो फिर चेंज हो जाता है दैट इज़ अगर आपका विस्क्वासिटी कम रहा तो रेट ऑफ शेयर कम लगा कर भी आप सॉरी uh, अगर आपका विस्क्वासिटी कम रहा तो सीअर स्ट्रेस कम देकर भी दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया कम देकर भी आप पर्टिकुलर रेट ऑफ शेयर जनरेट कर सकते हो वही जैसे जैसे विस्क्वासिटी बढ़ता है आपको ज़्यादा सीयर स्ट्रेस या ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया देना पड़ता है जिससे कि आपका पर्टिकुलर रेट ऑफ़ शेयर डेवलप हो सके यानी कि रेट ऑफ शेयर के साथ साथ मतलब आपको कितना रेट ऑफ़ शेयर चाहिए प्लस आपके लिक्विड का विस्क्वासिटी कितना है दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आपको शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना होगा दस एफ डैस बाई ए इज इक्वल टू ईटा डी वी बाई डी आर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सो न्यूटन का जो इक्वेशन है दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ डैस बाई ए का मतलब है आपका सीयर स्ट्रेस दैट इज एफ सो एफ इज इक्वल टू विस्क्वासिटी के लिए ईटा इंटू डी वी बाई डी आर आपका रेट ऑफ शेयर का इक्वेशन है दैट इज डी दस अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉफ लो एफ इज इक्वल टू ईटा इंटू जी दैट इज सीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्क्वासिटी इंटू रेट ऑफ शेयर इन विच एन इज़ द कोफिशेंट ऑफ विस्कवासिटी एंड यूजअली रेफर टू एज विस्कवासिटी सो जो कि मैंने बताया ईटा जो है आपका विस्क्वासिटी को एक्सप्रेस करता है सो so, नेक्स्ट आपका इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ईटा को डेराइव करने के लिए दैट इज ईटा इज इक्वल टू एफ डाइज बाई ए बाई डी वी बाई डी आर दैट इज ईटा इज इक्वल टू एफ बाई जी दैट इज़ विस्क्वासिटी का आपका अगर इक्वेशन को आप लिखना चाहो तो अदरवाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर वन है सो विद दिस नेक्स्ट आपका जो है नाउ नाउसिटी का यूनिट्स बेसिक यूनिट सो बि आपका बेसिक यूनिट विस्कॉसिटी का होता है पॉइज़ विच वॉज नेम्ड बाई जीन लोयस मैरी पॉजली पॉइज इज डिफाइन एज द सियरिंग फोर्स और सीयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मेनटेन अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन सेंटीमीटर पर सेकेंड बिटवीन टू पैरल लाइन्स वन सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया एंड वन सेंटीमीटर अपार्ट सो पॉइस जो है पॉइस का मतलब क्या होता है पॉइस यूनिट नेम दिया गया पॉइस किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है दैट इज कब आप पॉइस को यूज़ कर सकते हो पॉइज़ एक्सप्रेस करता है दैट कितना सीयर फोर्स आपको लगाना होगा जिससे कि आपका लिक्विड्स जो है उसमें वन सेंटीमीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से वो फ्लो कर सके लिक्विड जिनमें जो लिक्विड के जो दो पैरलर लेयर होंगे जो मॉलिकुलर लेयर होंगे वो लिक्विड के लेयर्स आपका वन सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो पहले तो वो लिक्विड के लेयर्स का वन सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो एंड वो वन सेंटीमीटर अपार्ट रहे यानी कि लिक्विड जिनका एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का लिक्विड को आप जब अज्यूम करो एंड दो लेयर्स के बीच में वन सेंटीमीटर का डिस्टेंस को आप अज्यूम करो दैट इज एक लेयर के बाद का जो लेयर है एक के बाद जो बी लेयर को आप अज्यूम कर रहे हो दोनों के बीच में वन सेंटीमीटर का गैप आप लेकर चलो वन सेंटीमीटर के गैप्स वाले दो लेयर्स वन सेंटीमीटर स्क्वायर का लिक्विड एरिया जिसमें अगर आपको वेलासिटी क्रिएट करना है वन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड में तो उसके लिए आपका लिक्विड का जितना विस्कोसिटी होगा जिसके अकॉर्डिंग आपका जो है सीयर फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है दैट इज पॉइज सो आपका पॉइज़ वो विस्कोसिटी वैल्यू हुआ जो कि आपका शो so करता है कि कितना सीयर फोर्स लगाकर आप जो है वन सेंटीमीटर पर सेकंड का वेलोसिटी क्रिएट कर सकते हो इन वन सेंटीमीटर स्क्वायर लिक्विड एरिया विच हैज़ टू कंजिव लेयर जिनके बीच में वन सेंटीमीटर का डिस्टेंस है सो so जनरली आपका जो है पॉइस से ज़्यादा आपका सेंटी पॉइस को यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए विस्कासिटी को वाइज विच इज़ वन सेंटीमीटर पॉइस इज इक्वल्स टू जीरो तो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो वन पॉइंस जनरली जैसे आपका ग्राम से सेंटी ग्राम या फिर मीटर से सेंटीमीटर को आप शो करते हो उसी तरह पॉइज़ एंड सेंटीपॉयज़ का रिलेशन है दैट इज़ वन सेंटीपॉइज में आपका जीरो पॉइंट जीरो वन पॉइज दैट इज़ आपका पॉइज़ बराबर वन पॉइज बराबर हंड्रेड सेंटीपॉइज होता है रीजन क्या है सेंटीपॉइज यूज़ करने का बिकॉज़ आपका सेंटीपॉइज जो है वाटर जो है वो सेंटीपॉइज में आपका दिखाया था दैट इज़ ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस में आपका वाटर का वैल्यू होता है बिस्कॉसिटी जो है आपका वन पॉइंट जीरो ज़ीरो टू पॉइज़ है सी जी एस यूनिट में अगर बात करें तो पॉइज़ जो है उसका यूनिट होता है डाइन से डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेकेंड पर ग्राम पर सेकेंड सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड माई मिस्टेक सॉरी एंड आपका एस आई यूनिट जो है वो आपका पास्कल इंटू सेकेंड है सो वन पॉइज जो कि मैंने बताया हंड्रेड सेंटीपॉयज है दैट इज़ वन डाइन सेंटीमीटर वन डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वन ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन ये आपका रिलेशनशिप हो गया फ्रॉम बेसिक यूनिट टू सी जी एस यूनिट टू आपका एस आई यूनिट सो एनी वेज विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है नेक्स्ट हम टाइप ऑफ विस्कॉसिटीज पर बात करेंगे फॉर मोर वीडियोज गो एंड चेक माई चैनल होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल इफ़ येस देन प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस Thanks for watching and bye bye.